व्हाट्सअप गाइस, आई एम वीर। वेलकम टू वीर की पाठशाला। देखिए, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जो जीएस पेपर टू होता है उसका ये पार्ट है एक तरह से, और गवर्नेंस में मतलब एक तरह से आता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपेरिजन जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंपेरिजन करा जाता है ब्रिटिश के साथ, यूएसए के साथ, और जापान और फ्रांस वगैरह भी हो सकता है, इन सबके साथ कंपैरिजन ऑलवेज आ जाता है। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ का, सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो वीडियो हैं वो धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगी। और आपको अगर उसकी अपडेट चाहिए तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल, और आपको सारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियोज़ में इतनी शानदार बनाऊंगा कि आप एक तरह से आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे आपके सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके लिए वीडियो नेक्स्ट आने वाला है, कल या परसों के अंदर ही। तो आप ये सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर करें। ठीक है, तो देखिए, वीडियो को मतलब आगे फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक तरह से एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ, या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि पढ़ाई ना बिना मोटिवेशन के हो ही नहीं सकती। जब तक आपने आपको इंटरनली मोटिवेट नहीं रखोगे और किसी काम को करने के लिए अपने आपको पुशअप नहीं करते रहोगे एक तरह से, तो जब तक वो काम हो ही नहीं सकता। दिल लगाइए पढ़ाई में, क्यों? क्योंकि सक्सेस पाने के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं है, हमेशा आपको एक तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरह से जैसे हम सीढ़ियों से जाते हैं मेहनत करके, तो बड़ा ऊपर जाके इतनी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है, और ऊपर की जो हवा होती है ना बड़ी मस्त प्यारी लगती है। लेकिन अगर एलिवेटर में बैठ गए, मतलब एक तरह से लिफ्ट में बैठ के चले गए ऊपर, तो आपको कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। नॉर्मली जैसे बंदा जाता है वैसे ही वहाँ पर चला जाएगा, मतलब कोई फीलिंग नहीं। लेकिन जब आप सीढ़ियाँ लेके जाओगे ऊपर जाके, जब खुली हवा में पहुँचोगे और जो हवा आपको मिलेगी ताज़ा आपके चेहरे से या फेस से जब टकराएगी, तो आपको वो खुशी मिलेगी अंदर से कि आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो गाइज प्लीज मेहनत करना स्टार्ट करिए, और जो बच्चा मेहनत करता है ना उसके लिए सक्सेस उसके कदम चूमती है, ये तो हमेशा ही लोग कहते भी चले आए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस करिए और मेहनत करिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये चीज़, हाँ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आपको अपने दिमाग में इमेज बना लेनी है कि जब भी मैं यूनाइटेड किंगडम बोलूँ तो क्या मतलब उसका मतलब क्या है, या ग्रेट ब्रिटेन बोलूँ तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, इंग्लैंड बोलूँ तो मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो चार कंट्री है, ये चारों तो मिलकर बनाती है यूनाइटेड किंगडम। तीन कंट्री ये जो दिख रही है आपको, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब ये चारों कंट्री तो बना रही है यूनाइटेड किंगडम, और ये तीन बना रही है क्या, ग्रेट ब्रिटेन। अब इनके साथ अगर इसको भी मिला दिया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी मिला दिया जाए, और मतलब एक तरह से कुछ आइलैंड कंट्री भी हैं छोटी मोटी इनके आस पड़ोस में ही, उन सबको भी मिला दिया जाए तो बन जाता है ब्रिटिश आइसल। तो यहाँ पे इसकी बात तो बिल्कुल होगी नहीं, मेनली जो हम बात करेंगे वो यूके की करेंगे या ग्रेट ब्रिटेन की करेंगे। तो आपको याद रखना है बस इन चारों कंट्रीज के बारे में। ठीक है, और इंग्लैंड के बारे में, हाँ इंग्लैंड की जो आप कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि लंदन। ठीक है, और जो किस किस नदी के किनारे है, अगर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, मतलब जो रिवर्स के किनारे पर जितने भी शहर हैं वो तो आपको याद ही करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके में आते हैं। स्टैटिक जीके भी मैं सीरीज चला रहा हूँ, आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, और आप वीडियो की क्वालिटी पर अगर ध्यान देंगे तो आपको वीडियो की क्वालिटी, ये है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि वीडियो की क्वालिटी बड़ी लो है, और मतलब एक तरह से अच्छा नहीं है, जो नॉलेज हमें दी जा रही है वो काफ़ी एक तरह से लो क्वालिटी की, ऐसा कुछ ही नहीं लगेगा आपको। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा, और आप अगर इस वीडियो को एक से दो बार देखते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 80% चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए वहाँ का जो, अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले, तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट नहीं है, पहले तो बता दूँ। वहाँ पे जितने भी लॉ वगैरह जो बनाए गए आज तक, जो प्रिंसिपल्स जो चलते आ रहे हैं, कन्वेंशन जो चलते आ रहे हैं, उन सबको मिलाकर ही एक तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है। कोई एक पर्टिकुलर जैसे इंडिया में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ गए और वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो अनरिटन है, लिखा ही नहीं है कहीं पर, ये नहीं है कि पूरी तरह लिखा नहीं है, कहीं थोड़ा बहुत लिखा भी है, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं थोड़े बहुत, या जो पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिए, या जुडिशरी के द्वारा जो पास करे गए, मतलब बिल्स नहीं, मतलब एक तरह से जो उसके डिसीजंस होते हैं उन्हें एक तरह से एक लॉ का दर्जा दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को मिला के वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है एक तरह से, बहुत सारी वही सोर्सेज से निकल के आया है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, वो आपको अभी धीरे धीरे पता चल जाएंगे सारे से। जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ 1688 में एक तरह से इंग्लैंड के अंदर, उसने पूरी जो है इमेज चेंज कर दी यूके की। वहाँ पे जो पार्लियामेंट होती है उसे सुप्रीम बना दिया, अब उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ना ही जुडिशरी कुछ भी, मतलब ना मोनार्क वगैरह, जो पार्लियामेंट है वहाँ पे सुप्रीम हो चुकी है।
अब ये जितने भी लॉ पास करेगी उसे ना कोई इनवैलिड बोल सकता है और ना ही उस पर एक तरह से कोई रोक लगा सकता है। तो पार्लियामेंट ने जो पास कर दिया वही वहाँ पे एक तरह से कानून बन जाता है। ठीक है, तो आप तो ये है जो पार्लियामेंट की वहाँ पे सुपरमेसी है। तो पार्लियामेंट वहाँ पे सुप्रीम है, उसके खिलाफ कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। ये आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडिया में पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा सुप्रीमेसी जो है, लेकिन वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू का राइट है जुडिशियरी को। वो एक तरह से उस पर टाइम उसे जो कानून वगैरह बनाती है पार्लियामेंट, उसे रोक भी सकती है। लेकिन ऐसा इंग्लैंड में, एक तरह से यूके में, यूनाइटेड किंगडम में नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो हिस्ट्री है या इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेम सेम ही है सारा कुछ। ठीक है, तो पहला जो है मैग्ना कार्टा 1215 में आया, लैटिन भाषा में लिखा हुआ, ये जरूर याद रखना। पूछ जा सकता है कि किस भाषा में लिखा है ये। इसमें जो जोर दिया गया, पहले तो इंग्लिश चर्च की फ्रीडम पर ध्यान दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले जो राजा हुआ करते थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था एक तरह से सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चर्च को फ्री कराया गया अलग से, और जो वहाँ के जो लॉर्ड्स वगैरह होते थे या जो इंडिविजुअल जो बंदे होते थे उन्हें भी काफ़ी सारे राइट्स दिए गए। और ये जो है एक एक तरह से मैग्ना कार्टा के रूप में, एक तरह से एक पेपर के ऊपर एक तरह से लिख के दिए गए। किसके द्वारा लिखे गए? जो राजा जॉन था वहाँ का, उसने ये सारी चीज़ें दी। और ये थेम्स नदी के किनारे पर एक जगह है रनीमेड, उस स्थान पर सारी चीज़ें हुई थी। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स आया 1689, इसमें क्या हुआ? अब जो पार्लियामेंट है इंडिविजुअल है उसकी पावर्स पर ध्यान दिया गया, और जो मोनार्क था एक तरह से वहाँ का जो राजा था उसकी पावर्स जो है अब वो कम कर दी गई। तो अब मैं बताऊँ ये धीरे धीरे चीज़ें, अब आप इतना आसान नहीं है कि ये मान लिया एकदम से ये बिल आ गया और राजा की पावर कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा इतने सारे रिवोल्ट मूवमेंट वगैरह चलाए गए, तब जाके एक एक जो ब्रिटिश था वो एक जो एक्ट लेके आता था या इंडिया के लिए जो है कानून बनाता था। ऐसे ही इंग्लैंड में भी सेम हुआ, वहाँ पे भी बहुत सारे रिवोल्ट एक तरह से मूवमेंट हुए, लोगों ने विद्रोह करा, तब जाके बिल्स वगैरह वहाँ पे आते थे और उन्हें थोड़ी बहुत पावर मिलती थी। अब एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब यूनियन होने लगा इंग्लैंड, जब उस वक्त वेल्स जो था इंग्लैंड के अंदर ही आता था, ठीक है, और स्कॉटलैंड, इन दोनों ने यूनियन बना लिया और इन दोनों ने मिलकर एक तरह से ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन बन गया। मैंने आपको बताया था, देखिए इंग्लैंड और वेल्स ये तो एक साथ ही थे, स्कॉटलैंड और मिल गया, तो क्या बन गया? ग्रेट ब्रिटेन। अब इसके बाद में 1800 में क्या नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। तो अब ये देख सकते हैं 1800 में क्या है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन के साथ अब क्या मिल गया? आयरलैंड। तो अब इन्होंने जो है यूनाइटेड किंगडम बना लिया, जो जिसकी कैपिटल हम पढ़ते हैं ना लंदन, वो यूनाइटेड किंगडम की ही कैपिटल है और इंग्लैंड की भी कैपिटल है, ये भी याद रखना है आपको। वो दोनों ही कैपिटल होते हुए यही अभी जो है यूनिटी हो रही है यहाँ पर। अभी बाद में जाके देखेंगे डिवोल्यूशन भी स्टार्ट होगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड इतना जो है पावरफुल हो गया, अपने जो पॉपुलेशन है उसके लिए तो काफ़ी कुछ अच्छा सोचने लगा, लेकिन इन कंट्रीज को वो क्या है इग्नोर करने लग गया एक तरह से। इनके जो इंटरेस्ट हुआ करते हैं वो उन्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, फोकस नहीं करते थे। तो उन लोगों ने क्या है अब पावर्स की मांग करी, और धीरे धीरे आगे जाके देखेंगे कि डिवोल्यूशन भी वहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब देखिए आगे जो एक्ट आए, वो पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1911, मतलब 1911 एंड 1949। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक तरह से जो जोर दिया गया, सर्ट मतलब जोर जो मैंने पीछे लिख रखा है, इसमें जोर दिया गया है वो हाउस ऑफ कॉमन्स की सुपरमेसी में दिया गया। मतलब यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स को अगर कंपेयर करें तो हमारे यहाँ का जो लोकसभा है उसके साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे एक तरह राज्यसभा की जो पावर्स थी उसे थोड़ा कम कर दिया गया। क्योंकि मान लिया हाउस ऑफ कॉमन्स जो कोई बिल पास करते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उस पर स्टे लगा दिया, काफ़ी टाइम लगा दिया, तो वहाँ पे क्या है लागू नहीं कर पाते थे, टाइम लगता था काफ़ी। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनकी पावर ही कम कर दी। पावर्स कम क्या कर दी कि मतलब जो बिल था पहले जो 2 साल तक इन्हें डिले कर सकते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अब वो सिर्फ 1 साल के लिए ही कर सकते हैं। तो इस तरह के मतलब इनकी पावर्स जो थी काफ़ी कम कर दी गई। जो मनी बिल होता है वहाँ पर, मनी बिल पर पहले मान लिया ये काफ़ी टाइम लगाते थे, लेकिन बाद में बोल दिया कि 1 महीने से ज़्यादा अब ये टाइम उस पर नहीं लगा सकते। तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकते थे ये, मतलब उसे डिले नहीं कर सकते थे। तो ये सारी जो थी पावर्स इनकी कम कर दी गई। लाइफ पेजेस एक्ट 1958 आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि इसने प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दे दी कि अब वो डिसाइड कर सकता है कंपोजिशन पूरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, कि कितने मेंबर होने चाहिए और कितने मेंबर नहीं होने चाहिए। मतलब उसकी पूरी कंपोजिशन है अब हाथों में आ गई प्राइम मिनिस्टर के। तो आप देख सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है पूरा एक तरह से अंडर हो गया प्राइम मिनिस्टर के। इमरजेंसी पावर 1964, इसमें
आप देख सकते हैं ये वहाँ की जो आर्म फोर्सेस है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर्म फोर्सेस को अभी राइट मिल गया कि अब वो अपने लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं मेंबर्स, अगर उन्हें जरूरत पड़ती है किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस में। मान लिया किसी के कंट्री के साथ वॉर हो गया, अब एम्प्लॉय जो है मतलब एक तरह से उनके जो सोल्जर है वो काफ़ी कम है, तो वो मतलब एक तरह से सोल्जर्स की भर्ती करा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जितने भी जो सिचुएशन बन जाए इमरजेंसी की उसमें वो उसे कोप अप कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1983। तो 1983 देखकर आपको एक चीज़ याद आ गई कि इंडियन वर्ल्ड कप 1983 कपिल देव, ठीक है, इंडिया जीती थी। अपडेट्स द ब्रिटिश इलेक्टोरल प्रोसेस। इस एक्ट ने क्या करा, अब वहाँ पर जो ब्रिटिश का जो इलेक्शन सिस्टम था एक तरह से इलेक्टोरल जो प्रोसेस थी पूरी की पूरी, कि एज क्या होनी चाहिए या कौन एक तरह से इसके लिए खड़ा हो सकता है, वो सब सारी चीज़ें इस एक्ट के द्वारा डिसाइड कर दी गई। अगले ये जो तीन एक्ट आप देख रहे हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, ये तीनों अब एक तरह से एग्जाम्पल है उस डिवोल्यूशन का जो मैं पीछे अभी बात कर रहा था। मैंने बताया पहले यूनिटी हुआ 1707 में, उसके बाद 1800 में, और बाद में धीरे धीरे ये अब तीनों कंट्री क्या होने के लिए मांग करने लगे अपने अलग पावर्स के लिए। तो इनके लिए अलग से स्कॉटिश पार्लियामेंट बनाई गई, वेल्स में असेंबली बना दी गई और नॉर्दर्न आयरलैंड में भी असेंबली बनाई गई और इन्हें पावर दे दी गई, जिससे ये अपने इंटरनल मैटर्स को अब ये अपने खुद देख सकते थे। क्यों इनकी क्यों ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड इनके ध्यान नहीं दे रहा था बातों पर, ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या करा अलग से मांग कर दी, और इसी को वहां पर डेवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने क्रिएट करा फर्स्ट टाइम वहां पर सुप्रीम कोर्ट। वहां पर पहले कोई ऐसा कोर्ट नहीं था जिसमें मतलब एक तरह से हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो था वहां पर पहले हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बनाया कि अब जितने भी मैटर हुआ करेंगे वो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो होगी अब सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे कि उन्हें एक तरह से आप ले जा सकते हैं और उन मैटर को सॉल्व करा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बारे में एक फैक्ट और है वो भी आपको आगे जाके मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा क्यूरियोसिटी को बढ़ाए रखें जानने के लिए, हमेशा कोशिश करिए कि चीज़ों को जानने के लिए, मतलब ये हमेशा ये कोशिश करिए कि ऐसा सोचिए दिमाग में कि आज कुछ नया जानने को मिलेगा, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। और चीज़ों को अगर इस तरह से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आसान लगेंगी और मज़ा भी आएगा चीज़ों को सीखने में, ठीक है। तो अब जो फिक्स टर्म पार्लियामेंट था एक्ट 2011 का, इसमें क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट का जो टेन्योर था 5 साल कर दिया गया। अब पहले की थोड़ी इसकी जो हिस्ट्री बताऊँ वो क्या है कि पहले ये हुआ करता था कि पार्लियामेंट के पास ये खुद राइट था कि वो अपना टेन्योर खुद डिसाइड कर ले, ठीक है। इसकी ये पावर को इन्होंने एक बार यूज़ भी करा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने अपने जो टेन्योर था वो बढ़ा ली। तो 2011 में ये फिर एक्ट लाया गया कि अब जो पार्लियामेंट का जो टेन्योर हुआ करेगा ओनली 5 ईयर्स हुआ करेगा, ठीक है, और हर 5 साल बाद वहाँ पर इलेक्शन हुआ करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए गाइस, अब सोर्सेज की बात करते हैं एक तरह से, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले सोर्सेस, सोर्सेस में आप देखिए कन्वेंशंस, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कॉमन लॉज या वर्क ऑफ अथॉरिटी। अब इसमें क्या है, सोर्सेस देखिए, ये आपको ये लाइब्रेरी टाइप की ये जो बुक्स दिख रही है इतनी सारी यहाँ पर जो रखी हुई हैं, ये पता नहीं कितनी सारी लाइब्रेरी वहाँ पर भरी हुई हैं। ये सब जो है बहुत सारे स्कॉलर्स जो वहाँ पे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होते हैं, उन्होंने ये लिखी है किताब किन के लिए, वर्क ऑफ अथॉरिटी के लिए, मतलब किस तरह से उन्हें अपना काम करना चाहिए और किस तरह से गवर्नमेंट चलानी चाहिए उसके लिए सारी किताबें लिखी हुई है। और यही सब है एक तरह से बोल सकते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी किताबें हैं किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी है, ये कुछ कन्वेंशन चलते आ रहे हैं, रीति रिवाज जो लिखे नहीं जा सकते हैं वो सिर्फ फॉलो ही करे जाते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाले, पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट पास कर दिए तो वो सारे कानून बन गए या एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कुछ कॉमन लॉस है वहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर जो वहाँ पर सोर्सेज का काम करती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं वहाँ पर कि जो है उनका एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। इसलिए ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्शियली रिटन और पार्शियली अनरिटन माना जाता है। ये नहीं है कि पूरी तरह अनरिटन है और वहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट मैंने लिखी है। अगला पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की बात करते हैं, ये तो आपको मैं आपको पीछे बताया, जैसे पार्लियामेंट जो काफ़ी सुप्रीम है वहाँ पर, पार्लियामेंट के खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जजेस कैन नॉट इनवैलिडेट लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट ने कोई अगर लेजिस्लेशन या बिल पास कर दिया तो उसे इनवैलिडेट नहीं कर सकते जजेस वहाँ के। पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कानून बना दिया वही वहाँ पे चलेगा। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी लेंथ डिसाइड कर सके, ठीक है, लेकिन ये कब तक वैलिड थी वो अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 2011 तक। उसके बाद कानून लाया गया और इसे 5 साल कर दिया गया। कब पावर यूज़ करी गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, मैंने आपको बताया। पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि जो मोनार्क है वहाँ का हेड है, हेड ऑफ स्टेट मतलब जिसे एक तरह से राजा बोलते हैं, उसके एग्जीक्यूटिव पावर को मतलब रिमूव कर सके या रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो ये भी पावर मतलब पार्लियामेंट के पास है। तो
तो देख सकते हैं पार्लियामेंट वहाँ पे कितनी सुप्रीम है, और सारे के सारे जो एक तरह से बोल सकते हैं अथॉरिटी अथॉरिटेरियन जो वहाँ पे एक कोई अगर इंस्टीट्यूशन है वो है पार्लियामेंट, और उसके खिलाफ जो है कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगला है रूल ऑफ लॉ। देखिए सेम चीज़ें जितनी मैं डिसाइड करता मतलब आपको बताता जा रहा हूँ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, अगर इसका इंडिया के साथ कंपेयर करें ना तो इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम है बट इतनी नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कुछ भी होता है, पार्लियामेंट भी अगर कुछ भी करती है, तो उसे जो हमारा जुडिशरी है या जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सोर्सेस सेम जैसे वहां पर है, बहुत सारी चीजें सेम हमारे यहाँ पर भी हैं। क्यों हमारे यहाँ पर, लेकिन वो सारी चीजों को मिला के जो एक्ट अभी तक पास करे गए थे ब्रिटेन के द्वारा जब वो यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो उन सबको मिला के हमने एक डेफिनेट एक तरह से एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है। तो हमारा इस तरह से है। बाकी रूल ऑफ लॉ की बात करें तो इंडिया में भी सेम ही है। कानूनी सबसे बड़ा है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट के एक्शन होने चाहिए, गवर्नमेंट एक्शन, ये देखिए यहाँ पे ये जो बात बोली गई यहाँ पे, इसके लिए हमारे यहाँ पे डीपीएसपी रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें बतानी है कि कौन से आर्टिकल तक लिखे हैं डीपीएसपी, ठीक है, और कौन से पार्ट में है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। देख गाइस इसका जो, अब मान लिया मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे या कहीं पर जाएंगे, गूगल पर जाकर करेंगे, तो आपको एक तो डीपीएसपी के बारे में पता चलेगा, दो चार चीज़ें उसके बारे में और पता चल जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने के लिए बोलूंगा कि जरूर लिखें इसका आंसर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगला, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, नो पर्सन इज अबव द लॉ। बहुत ज़्यादा ये तो सब मतलब अगर अपनी कंट्री की बात करें तो सेम यही है, ठीक है। कानूनी सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। पर्सन आर फ्री टू डू एनीथिंग अनलेस द लॉ सेज अदरवाइज। जो वहाँ पे लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं एक तरह से, मतलब पूरा फ्रीडम है उन्हें, लेकिन कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये तो इंडिया में भी सेम यही चीज़ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यूनिटी एंड डिवोल्यूशन, ये मैं पीछे डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन आपको मैं फिर से रिवीजन कराऊंगा इसी चीज़ का। यूनिटी वही 1707 में पहले यूनिटी हुई, ठीक है, किस किस की हुई थी, दिमाग में आ रहा होगा, इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन बन गया। बाद में 1800 में मतलब 1800 में क्या हुआ, अब उसके साथ नॉर्थन आयरलैंड भी मिल गया और क्या बना, ग्रेट यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको यूनिटी समझ में आ गया। अब डिवोल्यूशन हुआ, डिवोल्यूशन में नीचे अभी 1998 का मैंने अभी एक्ट बताया तीन, ठीक है, वेल्स के लिए आया, स्कॉटलैंड के लिए आया, नॉर्थन आयरलैंड के लिए आया, उन्होंने अपनी असेंबली की मांग करी, तो भी वहाँ पर डिवोल्यूशन हो गया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम जो है एक यूनिटरी स्टेट है, एक फेडरेशन नहीं है जैसे कि इंडिया और यूएसए है, तो ये आपको याद रखना है, यूनिटरी स्टेट है ये, यूई का मेंबर है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ब्रेग्जिट हो गया है, ब्रेग्जिट हो रहा है मतलब एक तरह से, इतना जल्दी नहीं हो सकता है, इसके लिए रेफरेंडम कराया गया था इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर, तो उसमें यह 51% जो था ब्रेग्जिट के लिए वोट आए थे। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक्सिट के लिए वहाँ पे एक तरह से बहुत सारे लोग जो है चाहते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी चाहते हैं। तो वो अगर आप ब्रेक्सिट से रिलेटेड वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, तो बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बनी हुई हैं। इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस की बात करते हैं जो वहाँ पे मेनली फॉलो करे जाते हैं, ठीक है। तो जो मोनार्क होता है वो हमेशा जब बिल पास करे जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो जो फाइनल एक तरह से जो स्टम्प लगती है, एक तरह से जो मोहर लगती है, वो किसके द्वारा लगाई जाती है, मोनार्क के द्वारा। इंडिया में यह प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। तो आप इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उसे कंपेयर करेंगे हमेशा वहाँ के मोनार्क के साथ, ठीक है। तो दोनों ही नॉमिनल हेड है, मोनार्क भी नॉमिनल है और इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो भी नॉमिनल हेड ही होता है। अगला बात करते हैं, मोनार्क जो होता है हमेशा जब वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है उसके जो लीडर होता है उससे पूछता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। इंडिया प्रेसिडेंट सेम काम करता है। ऑल मिनिस्टर मिनिस्टर्स जो वहाँ पे मतलब एक तरह से आते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से, हाउस ऑफ कॉमन्स से ही आ सकते हैं, आप कहीं और से नहीं ले सकते हैं। हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स होते हैं उन्हें हमेशा वो वाले लेजिस्लेशन है एक तरह से, वो बिल हमेशा पास करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में जब इलेक्शन वो कर रहे थे तब उन्होंने ये सारे वादे जब किए थे, तो उन्हें वो इनवैलिडेट नहीं कर सकते या उन्हें मानने से इनकार नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन में है। अगला, कुछ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे जो मेनली जो यूके के अंदर है, जैसे कि मोनार्क के सबसे पहला तो हेड ऑफ स्टेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है ये, हेरिडिटरी थ्रोन होता है इसका, मतलब एक तरह से पास होता जाता है, इसके जो सन होते हैं एक तरह से उनके पास होता चला जाता है। कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस होता है ये, जो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके पास डोमेस्टिक पावर है और फॉरन पावर्स भी होती हैं। डोमेस्टिक में जैसे कि अपॉइंटमेंट वगैरह कराता है सारे के सारे, पीएम जो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है वो सेम काम कराता है, और जो डिक्लेयर वॉर करना होता है वो भी इसी के द्वारा करा जाता है, ठीक है। और इंडिया में प्रेसिडेंट ये काम करता है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, आगे जैसे कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मेनली कंसिस्ट करती है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, दो हाउस हैं इसके अंदर। इनको अगर इंडिया के साथ कंपेयर करूँ तो हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया राज्यसभा, ठीक है।
या इसे अपर हाउस या इसे लोअर हाउस भी कह सकते हैं, और मोनार्क होता है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में मोनार्क की जगह कौन होता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 जो है मेंबर्स हैं, और इनका जो एक तरह से अपॉइंटमेंट होता है, एक तरह से जो मतलब ये चुन के आते हैं, वो आते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से। तो मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिली वही जीत जाता है, और कुछ नहीं है बस ये, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स 798 मेंबर्स हैं अभी, 26 बिशप्स हैं उसके अंदर, लेकिन ये मेंबर्स जो होते हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये पीएम के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि पीएम को ये पावर दे दी गई है कि वो अब डिसाइड कर सकता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कंपोजिशन को, ठीक है। तो ये याद रखना है। हाउस ऑफ कॉमर्स जो होता है वो अलोन, मतलब उसके पास ये पावर होती है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है हाउस ऑफ कॉमन्स ही अकेला। इसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है वो सिर्फ रिवाइजिंग चैम्बर होता है, बस ये देखता है जो चीज़ें हुई है वो सही हुई है या नहीं, लेकिन उसमें कुछ बोल भी नहीं सकता है वो, ठीक है। तो उसके पास कोई पावर है ही नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हाउस ऑफ कॉमन्स काफ़ी पावरफुल है एक तरह से, इंडिया के अगर कंपेयर करें तो लोकसभा को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देना, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। पावरफुल है लोकसभा, लेकिन राज्यसभा भी कम पावरफुल नहीं है, उसके पास भी काफ़ी सारी पावर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अगली जो बात करते हैं वो जुडिशियरी। जुडिशियरी जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 2005 में अभी आया है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था वहाँ पे, जो अलग अलग हुआ करते थे इंग्लैंड और वेल्स के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर और नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर, इनके अलग अलग मतलब एक तरह से कोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब उनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया 2005 ये जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग आया था। इसमें क्या है, जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है ऑल केसेस के लिए वो स्कॉटिश मतलब एक तरह सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो स्कॉट स्कॉट के अंदर जो क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं वो इसके अंदर डिस्कस नहीं करे जाते, ये याद रखना है बस आपको। मतलब स्कॉट जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे अगर किसी ने क्रिमिनल कोई केस कर दिया है या जो भी वहाँ पे, वो उसको आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आप यहाँ पे सुन नहीं सकते, अपील नहीं कर सकते उसके लिए, वो वहाँ का जो हाई कोर्ट होगा स्कॉटलैंड का वहीं पे ही हो सकता है, ये इसके बारे में फैक्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो जजेस हैं वो कैन नॉट सिट और वीटो इन द इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द 2005 एक्ट। जो जजेस होते हैं वहाँ के वो ना तो बैठ सकते हैं और ना ही वहाँ पे अपनी वीटो पावर या जो वीटो कर सकते हैं किसी बिल वगैरह को पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। ये 2005 के एक्ट के बाद ये सब। अगला पार्टी सिस्टम, तो डुअल पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। ये नहीं है कि अकेली दो ही पार्टी है, पार्टी तो और भी है, लेकिन जो मेन पार्टी है जो लेबर पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, यही दो पार्टी है। अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बात करें तो मेनली यही दोनों पार्टी ने ही वहाँ पर रूल करा है, ठीक है। तो एक अपोजिशन में रहती है और एक मेजोरिटी में रहती है, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट चलाती रहती है। तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि अभी जो प्रेजेंट है वहाँ पे जो पार्टी रूल कर रही है वो बताना है, और उसका जो मेजोरिटी लीडर एक तरह से वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। अगला, एमपी जो रूलिंग पार्टी होते हैं वो हमेशा स्पीकर के राइट साइड में बैठते हैं, और जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं वो लेफ्ट साइड में बैठते हैं। ये दोनों हाउसेस में होता है, सेम कहानी, ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं हम, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि फ्रंट बेंचर्स, बैक बेंचर्स या इंडिपेंडेंट और क्रॉस बेंच पीयर्स। ये आपको याद रखना है कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि फ्रंट वेंचर्स कौन होते हैं, दोनों हाउसेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं और जो अपोजिशन मिनिस्टर होते हैं वो हमेशा आगे बैठते हैं, इसलिए उन्हें फ्रंट वेंचर्स बोला जाता है। बैक वेंचर्स क्या होते हैं, जो एमपी और जो मेंबर होते हैं लॉर्ड्स मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक तरह से, हु डू नॉट होल्ड मिनिस्ट्रियल पोजिशन, मतलब उनके पास कोई मिनिस्ट्रियल पोजिशन नहीं होती है, इसलिए उन्हें बैक में बैठा दिया जाता है और इन्हें क्या बोला जाता है, बैक वेंचर्स। अब इंडिपेंडेंट और क्रॉस बेंच पीयर्स क्या होते हैं, ये हमेशा मेनली उस जगह बैठते हैं जहाँ पर जो है एक तरह से जो हाउस होता है उसके बीच में जो सीट मतलब एक तरह से जो सीट होती है, और हमेशा क्लर्क के पीछे बैठते हैं ये, ठीक है। तो देखो मैं अभी आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उससे पता चलेगा। देखो जैसे कि अब मान लिया ये हो गए यहाँ के स्पीकर, तो इनके इनके अगर राइट साइड की बात करें तो ये होगी राइट साइड इनकी, ठीक है। तो ये जो होगी रूलिंग पार्टी, ये अपोजिशन पार्टी, और ये जो क्रॉस बेंच आप ये देख रहे हैं, ये कौन हो गए, याद आ रहा होगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है, या क्रॉस बेंच, ठीक है। तो क्रॉस बेंच पीयर्स ये है, ठीक है। ये चीजें सारी की सारी देखो इनके पीछे बैठाया जा रहा है, तो ये आप याद रख सकते हैं। या तो आप हमेशा लीडर बनिए, या तो आप नंबर वन रहिए, तो आप आगे आ सकते हैं और हमेशा राइट रह सकते हैं। अगर आपने मेहनत नहीं करी और सोच रहे हैं एवरेज मार्क्स ला के ही सब कुछ कर लेंगे या बिना मेहनत करे सक्सेस मिल जाए, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हमेशा पीछे ही बिठाया जाएगा, ठीक है। जहाँ आपको कोई ना देखेगा ना कुछ सुनेगा, चाहे भले ही आप यहाँ पर सोते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आइए जाइए और मत भी आइए, तो भी कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप यहाँ बैठना चाहते हैं, यहाँ बैठना चाहते हैं, यार यहाँ बैठना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड में जाके यहाँ बैठ जाइए, मतलब अपनी पोजिशन डिसाइड करिए कि आपको पहुँचना कहाँ है, जाना कहाँ है, ठीक है। तो देखिए मेन जो फीचर्स हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अब यहाँ पे आपको एक तरह से मैं दिखाऊँ मतलब एक तरह से जब बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें आप ऐसा लगेगा कि सब चीज़ें पढ़ ली है पहले से। तो मोस्टली अनरिटन है, पार्शली रिटन है, जो मैंने अभी आपको बताया। बहुत सारी किताबें जो लिखी गई हैं स्कॉलर्स के द्वारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं और कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं, कन्वेंशन वगैरह जैसे जो होते हैं।
इवोल्यूशनरी नेचर का है। मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है आपको, पूरा इवोल्यूशन होके आया है, ठीक है। ये नहीं कि एक टाइम पे बैठे और बन गया, ये नहीं, काफ़ी समय से, मतलब जो स्टार्टिंग हुआ है 1215 से हुई है, 1215 से, ठीक है, तब से स्टार्टिंग से बन के हुए आया है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये है कि पार्लियामेंट इजीली इसे अमेंड कर सकती है, ठीक है। कोई मतलब कोई ऐसा कठोर प्रोसेस नहीं है जिससे ऐसे टाइम लगे अमेंड करने में। यूनिटरी है, मतलब यूनिटरी नेचर का है, ठीक है, फेडरेशन नहीं है, मैंने बताया अभी आपको। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है, ठीक है। गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी में लिखा है वो प्रैक्टिस में दिखता नहीं है कभी कभार। जैसे किंग और क्वीन जो होते हैं, वो कैन नॉट वीटो एनी बिल, मतलब वीटो नहीं कर सकते किसी बिल को, बल्कि ये रिटर्न लिखा है थ्योरी के अंदर, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये फॉलो नहीं होता है। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से ये बोल सकते हैं, मोनार्कियल भी है, एरिस्टोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, तीनों का एक एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले मोनार्क, जैसे कि आपको पता ही है किंग या क्वीन, वहाँ पर होता है राजा, तो मोनार्क हो गया। एरिस्टोक्रेटिक, यहाँ पर लॉर्ड्स की प्रेजेंस है अभी भी, तो हम कह सकते हैं एरिस्टोक्रेटिक भी है। डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक तो आपको पता ही है गाइस, इंडिया में भी सेम है, मतलब यहाँ पर जो है पार्लियामेंट का राज है एक तरह से, जो जनता होती है उसी का राज है, इसीलिए से डेमोक्रेटिक बोला जाता है, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी का मैंने यहाँ पे पूरा मीनिंग भी दे रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो प्रधान जन होते हैं एक तरह से, उच्च वर्ग वगैरह जो होते हैं, उनके अभी भी यहाँ पे प्रेजेंस है, इसलिए से यहाँ पे एक तरह से एरिस्टोक्रेटिक भी बोला जाता है। रोल ऑफ कन्वेंशन, आज भी कन्वेंशन को फॉलो करा जाता है एक तरह से, ये अपनी रीति रिवाज है, उन्हें भूलते नहीं है, ठीक है, और उन्हें साथ ही साथ लेके चलते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी में मतलब काफ़ी पावर दे चुकी है, मतलब काफ़ी पावर्स हैं उसके पास भी, और इंडिपेंडेंस रखा गया जुडिशरी के अंदर उसे अलग से। तो गाइस अब हम वीडियो के एंड में पहुंच रहे हैं, और एक तरह से अभी ख़त्म होने वाली है वीडियो, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपसे कुछ पीछे भी पूछे हैं और कुछ यहाँ पर भी हैं, और ये आपको जवाब देने, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि ये आपके लिए ही फायदेमंद नहीं है। आप जब इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी जानने को मिलेंगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसीलिए मैं आपको ये देख रहा हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट रूलिंग पार्टी ब्रिटेन की, करंट प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल ऑफ यूके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इन एग्जाम का, अगर इस वीडियो को देखने बाद इनका अगर जवाब नहीं दे पाए, तो समझ लीजिए आप वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इनका जवाब इसी वीडियो के अंदर ही है, ये मैं आपको गारंटीड से कह सकता हूँ। बस अब आपको क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं आती ना, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ना खाप देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे लिखकर ही आप पार कर सकते हैं, क्योंकि उसका सारा खेल लिखने का ही है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आप लिख नहीं सकते तो फिर बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो गाइस मोटिवेट रखिए अपने आप को, स्टार्टिंग करिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, मैं उसे रिव्यू जरूर करूंगा, और उस भी जो भी उसमें मतलब कमी होगी उसे मैं आपको जरूर बताऊंगा रिव्यू करके, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखिए, अभी स्टार्टिंग कर सकते हैं आप 100 वर्ड से, ठीक है, और बाद में आप धीरे धीरे अपनी वर्ड लिमिट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजाइन, तो मैंने बताया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से एक बच्चा है एक्सीडेंट वगैरह या डिजाइन वगैरह का। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज़ की जरूरत पड़ती थी, वो लॉ बना लेते थे, और वही क्या हुआ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनते गया। तो जब भी जरूरत पड़ती थी एक तरह से, जब भी टकरा जाते थे मुसीबत से, तभी उन क्या करते थे, एक लॉ बना देते थे, ठीक है। यही क्या है, उनका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको ये बताना है, ये जस्टिफाई करना है, या क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं आप इस स्टेटमेंट को, मतलब ऐसा है या नहीं है सचमुच, ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना है, कि देखिए जब जरूरत पड़ी तो ये एक्ट बना लिया, जब जरूरत पड़ी तो ये एक्ट बना लिया, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पूरा एक्सीडेंट एंड डिजाइन का ही खेल है पूरा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनकॉडिफाइड है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये तो, और ये आपका इसका जवाब तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है, और बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं ना ये तीनों, और मैंने देखिए यहाँ पे WH फैमिली वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, तो वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछे, वो क्वेश्चन कभी आते भी नहीं, क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चनों पर मतलब एक तरह से आपको फोकस करके चलना है, और मेनली स्टेटमेंट प्रूफ या क्रिटिकली एनालाइज क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप पेपर भी खोल के देखेंगे ना, तो आपको यही इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, भले ही रिटर्न नहीं है, देखिए यहाँ पे दे भी रखा है कि, बल्कि एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है भी नहीं, फिर भी इसे मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इस पर आपको कमेंट करना है, क्या ये सही है। वैसे तो सही है, सही बात है, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आए हैं वही से निकल के आए हैं। तो गाइस इन क्वेश्चनों का जवाब जरूर दें कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और आप अगर इस सीरीज़ की आगे वीडियो देखना चाहते हैं, मैं जितने भी हैं USA, जापान, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इनका भी वीडियो बनाऊंगा, और आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो अगर अपडेट रहना है तो
प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और एक वीडियो मैं सेपरेट बनाने वाला हूँ जो यूके का किंगडम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर, ठीक है, जो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो इतने फैक्चुअल नॉलेज है वो सारी सारी उसमें मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।